क्या आप जानते हैं कि डेंटिस्ट्री की सबसे पहली बुक और सबसे पहला डेंटल कॉलेज कब और कहाँ खुला था? डेंटिस्ट्री की सबसे पहली बुक 1530s में जर्मनी में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था द लिटिल मेडिसिनल बुक फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस एंड इन्फर्मिटीज ऑफ द टीथ। और सबसे पहला डेंटल कॉलेज 1840s में USA में खुला था, जिसका नाम था द बाल्टिमोर कॉलेज ऑफ डेंटल सर्जरी। तो दोस्तों, ऐसे ही फन एंड नॉलेजेबल डेंटल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।